किया इन द मीन वाइल यहाँ पे टीम आईएम की स्क्वाड फाइट ली थी, बट जी गॉड यहाँ पे काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे नियो क्या यहाँ पे रेव दिया जा सकता है। यहाँ पे सैड के आमिर के साथ फाइनली फाइट लेते हुए टीम एंटिटी के जी गॉड, सो बेसिकली यहाँ पे आमिर ने नॉक कर दिया है। घातक भाई साहब अकेले रहेंगे, घातक ने यहाँ पे भी नॉक किया था, बट टीम सैड के प्लेयर्स आके यहाँ पे टीम एंटिटी को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। तो यहाँ पे एक मेजर फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट होते हुए टीम एंड के, देखते हैं यहाँ पे क्या पूरी स्क्वाड के साथ फाइट लेती है यहाँ पे टीम गॉडल, या फिर एक और डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है ओशन भाई। लेकिन वहां पर पीआरडीएम कोई काम नहीं आ रही है, बिकॉज यूपी 50 के दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तीसरा प्लेयर डाउन होता है दलजीत की, एडब्ल्यूएम बोल चुकी है पूरे के पूरे एरिया में, एंड यूपी 50 एडी को भी डाउन करती है उन्होंने एक पूरा का पूरा ऑफसेट निकालते हुए। यहाँ पर सरकार बचे हुए हैं एंड यूपी 50 की एसआर बचे हैं, लेकिन वहां पर किल किया जा चुका है एक प्लेयर को, जो कि दलजीत ने अपने हाथ में किल ले लिया है। सो सरकार को डाउन किया, दोरमामू को डाउन किया, मवी का एक ग्रेनेड सरकार को फिनिश करता हुआ वहां पर पूरा यूपी 50 एलिमिनेट होते हुए, बिकॉज आखिरी ग्रेनेड का जो डैमेज था केएसआर को भी लेकर जा चुका है। गॉडल एग्जिस्ट ने एक अलग एरिया पर फाइट ले, तो आरबी स्क्वाड दीपम को फिनिश करते हुए, आरबी स्क्वाड रेजर को हमें दलजीत ने फिनिश किया ओम का काफी बेहतरीन यूज करते हुए। गॉडल एग्जिस्ट यहां पर अपनी टीम के लिए सर्वाइव करें, स्मोकी वहां पर डाउन चुके, लेकिन गॉडल के तीनों प्लेयर्स थोड़े से अलग अलग एरिया पर, दलजीत वहां पर एक और पिकअप लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पर शिनचैन ने अपनी M24 का यूज करते हुए उनको डाउन किया पड़े। तो ये जो जगह है काफी एक एक्सपोज जगह है, एंड यहाँ पे फिर से नॉक होते हुए मेगा पैराडॉक्स के द्वारा ईटीजी ब्रॉलर्स के फ्रॉस्ट, एंड चलते हैं अभी टीम मेगा की स्क्वाड, क्योंकि मेगा की स्क्वाड ने अभी तक ज्यादा एक्शन नहीं दिखाया, फिर भी इन्होंने लाइक काइंड ऑफ पोजिशन अच्छा रखा है। यहाँ पे स्वैग पुश इन करते हुए डायरेक्टली पूरा का पूरा यहाँ पे अंदर घुसते हुए टीम ईटीजी ब्रॉलर्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन अग्रेशन दिखाते हुए, बट उनको बाकी जगहों से भी शॉट्स पड़ते हुए स्वैग हाउएवर नॉक हो चुके हैं, एंड स्वैग ने अपने आप को ही व्हीकल एक्सप्लोजन से नॉक कर दिया, एंड फिलहाल फिनिश भी हो जाएंगे इनफैक्ट। तो टीम मेगा इज डाउन टू दैट, यहाँ पे रिज के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे जितना करीब आ चुके हैं क्योंकि इनके पास अभी भी मैन एडवांटेज है, एंड यहाँ पे गॉडल के आई थिंक गिल नॉक करते हुए यहाँ पे मवी को, बट वहां पे टीम सैड की भी फाइट हो चुकी है टीम सीजी के प्लेयर्स के अगेंस्ट। देखते यहाँ पे आई थिंक सिंचान को भी नॉक कर देंगे, बट सीजी के डेड कमिंग इन द एंड एंड टेकिंग डाउन टीम सैड एज वेल। अगर बात करें यहाँ पे टीम ऑरेंज रॉक की, तो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कत में आ चुके हैं क्योंकि मवी भी यहाँ पे नॉक और फिनिश हो चुके हैं। टीम मेगा के प्लेयर्स बिल्कुल भी अपना साउंड नहीं देते हुए, यहाँ पे वंपायर ने आई थिंक एक मॉली फेंका है टीम मेगा के प्लेयर्स की तरफ, देखते हैं वो मॉली का क्या होता है। बट मीन वाइल गॉडल के गिल ने वहां पे सिंचान का जो है किल वो चुरा लिया है, सिक्योर कर लिया। ऑरेंज रॉक के एंटो पीछे से आते हुए मेगा के वैक्सी को आई थिंक पैराडॉक्स को नॉक किया था, वैक्सी बीइंग द लास्ट मैन अलाइव, बट यहाँ पे गॉडल के गिल नॉक और फिनिश कर लेंगे। तो गॉडल अपने पोजीशन का बहुत ही बेहतरीन फाइट, यहाँ पर गॉडल को बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकते हैं मेरे ख्याल से, एंड वहां पर पैराडॉक्स का ग्रेनेड आता है गॉडल गिल को डाउन करने के लिए। एग्जिस्ट को अब अंदर जाना पड़ेगा, बट अंदर जाते हुए वो सारी टीम्स के थ्रू ओपन में हो सकते हैं, बिकॉज एग्जिस्ट पीछे बैठे हुए थे, गिल ही थे जो कि अंदर थे, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी रिवाइव हो सकता है। पैराडॉक्स आगे मूव कर चुके हैं, बीआरडीएम यूज करते हुए एग्जिस्ट के लिए दिक्कतें हो सकती है, बीआरडीएम रुक चुकी है वहां पर, एग्जिस्ट के ऊपर थोड़े से शॉट्स आ रहे थे बट देन अंदर बैठे हुए। यहां पर वैक्सी आगे मूव करना चाहेंगे, एक और ग्रेनेड आता है, थ्रोएबल का और अच्छा सा यूज यहां पर रिवाइव हो रहा है, बट क्या रिवाइव हो पाएगा या फिर यहां पर ग्रेट बनने को देख सकते हैं। एग्जिस्ट पीछे आते हैं डेड ओपन के सामने, एग्जिस्ट को खत्म किया डेड ओपी ने बहुत अच्छे तरीके से, इट्स डाउन टू 4 people alive 3 teams यहां पर। पैराडॉक्स को वहां पर पिक ऑफ किया, वैक्सी को देखना पड़ेगा किस तरीके से हो सकते हैं, डेड ओपी एक्चुअली आगे मूव कर रहे हैं किसी तरीके से, वैक्सी ने सीट बदली अपनी, ओहो मैच एंड होता है बिकॉज पीछे सीजी ने आई गेस आखिरी बंदे का किल भी उठा लिया, एंड ये सीजी एक्चुअली गेट्स दैट चिकन डिनर इन द फाइनल मोमेंट ऑफ द गेम।